हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आर्मी पब्लिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, तो एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इसी तरीके से आप ही अपना फॉर्म फिल करें। तो जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसी आई हैं, सभी में आपका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो लगभग सेम है, यही फॉर्मेट है। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन से, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT, TGT या PRT, इन तीनों में से आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये लिखना है। ओके, तो किसी किसी फॉर्म में आगे यहाँ पे स्पेस भी बना हुआ है। नेक्स्ट, स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, आप किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जैसे APS राजस्थान का अगर फॉर्म निकला है, तो APS राजस्थान में आप किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, APS सूरतगढ़, APS जोधपुर, इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं। बट किसी किसी फॉर्म में APS के लगभग सेम है, बट किसी किसी में एक सब कॉलम भी है जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन भी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी के फॉर्म में वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर आपको अपनी पेस्ट करनी है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और उसे स्टेपल नहीं करना है, ये ध्यान रखें, फ़ोटो को पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं पर्सनल डेटा, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। देन सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ये लिखना है, इनमें से एक को चूज़ कर सकते हैं आप, जैसे सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, तो एक ही को आप इन तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जैसे कि 25 मार्च, कॉमा, ईयर। नेशनैलिटी, इंडियन। स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, न्यू दिल्ली जैसे एग्जांपल है। एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोस्टली कई लोगों के पास लैंडलाइन नंबर नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है इसे फिल करना, आप अपना मोबाइल नंबर लिखें और ईमेल आईडी लिखें। देन आता है प्रेजेंट प्रीवियस ऑक्यूपेशन, आपका अब का काम क्या है या पहले आपने क्या काम किया है। डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट, आपकी जो पोस्ट थी उसका डेजिग्नेशन क्या था, मींस आप HOD थे या TGT साइंस थे या PGT बायो लेते थे, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी कोचिंग में भी पढ़ाते थे, आप उसका भी यहाँ पर ऑक्यूपेशन में डाल सकते हैं, तो कोचिंग का एड्रेस और नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर इंचार्ज, उस कोचिंग में या उस स्कूल में आपसे ऊपर कोई भी एम्प्लॉय चलेगा, आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पर, डेजिग्नेशन लिखना है और नेम लिखना है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सुपीरियर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, इन केस अगर आर्मी पब्लिक स्कूल वाले उनसे क्रॉस वेरीफिकेशन चाहें कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो ठीक भरी हैं या नहीं। पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ सिलेक्टेड, आपके पास नोटिस पीरियड कितना है। जैसे अगर हम कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये ऑब्लिगेशन होता है कि हम 1 मंथ पहले उन्हें बताएं कि हाँ हम जॉब छोड़ने वाले हैं, या फिर आप, मैं कहीं और ज्वाइन करूँगी तो मैं अगर ये लिख दूँगी कि मेरा नोटिस पीरियड 1 मंथ है, तो वो मुझे 1 मंथ का टाइम देंगे कि उसके बाद मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। बट सैलरी आर यू ड्रॉइंग, आप कितनी सैलरी वहाँ से उठा रहे हैं, तो 25K, 35K, जितनी भी थाउजेंड्स में आप सैलरी उठा रहे हैं वो लिख सकते हैं, पर मंथ या पर एनम भी लिख सकते हैं। फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड या विडोड हैं। इफ़ मैरिड या विडोड, तो आपका स्पॉस का ऑक्यूपेशन क्या है और नाम क्या है, मीन्स आपके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन या नाम क्या है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद एज एंड सेक्स, आपके बच्चे कितने हैं इन नंबर्स पहले, फिर उनकी एज लिखनी है और बताना है वो मेल है या फीमेल है, तो मेल और फीमेल का आप साइन बना सकते हैं, मेल फीमेल। नेक्स्ट, एडुकेशनल रिकॉर्ड्स, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड्स, तो आपको क्लास 10th से स्टार्ट करना है। क्लास 10th एग्जामिनेशन मार्क्स कितने आए, परसेंटेज क्या थी और डिवीजन क्या था। तो यहाँ पर कुछ लोगों की जो क्वेरीज थी वो ये थी कि जो उनकी परसेंटेज है वो एक्चुअली CGPA है, तो आप CGPA को
परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, या फिर आप CGPA भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने CGPA ये लिख दिया 9.1, और फिर मैं ब्रैकेट्स में उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ। परसेंटेज में कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आपके जितने भी मार्क्स आए थे, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स की CGPA है 89769, उसको प्लस करके 39 आया। ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे, जैसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के CGPA हैं टोटल 10th क्लास के मान लेते हैं, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे, तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, तो उसके बाद जो हमारा रिप्लाई आएगा वो हमारी परसेंटेज होगी। तो मीन्स आपके 10th में मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स की जो CGPA होगी उसको प्लस करना है, उन्हें प्लस करेंगे तो जो भी प्लस आएगा नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स उसे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 5 से डिवाइड किया है, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्लास 12th के बारे में लिखना है, मार्क्स ओबटेंड, परसेंटेज, डिवीजन, डिवीजन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन, 60% 60% अबव फर्स्ट डिवीजन होते हैं, 50-60% के बीच की जो परसेंटेज है वो सेकेंड डिवीजन है, एंड बिलो 50% इट्स थर्ड डिवीजन। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम जैसे CBSE। फिर आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन में जैसे BSc किया है किसी ने, या BSc किया है या BA किया है, वो लिखना है। मार्क्स ओबटेंड, परसेंटेज क्या थी, डिवीजन, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम BSc 3 साल की होती है तो हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो नाम हमारा कोर्स का होता है, जैसे BSc जूलॉजी ऑनर्स, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सिंपल जूलॉजी। ओके, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, हमने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ होता है, नेम एंड यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एग्जांपल ले लेते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे, मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है MSc, तो यहाँ पे भी मार्क्स ओबटेंड, परसेंटेज कितनी आई आपकी, डिवीजन क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स क्या थे, तो यहाँ पे भी हम पूरे सब्जेक्ट्स नहीं लिख सकते, जैसे जेनेटिक्स पढ़ा होगा, साइटोजेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायो, तो आप सिर्फ यहाँ पर मेन सब्जेक्ट का नाम लिखें जो आपकी स्ट्रीम का नाम हो, जैसे MSc जूलॉजी। फिर आप नेम और यूनिवर्सिटी, नेम यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आपने अगर BEd किया हुआ है, वैसे तो BEd मैंडेटरी है तो होना ही चाहिए आपके पास, तो यहाँ पर आप BEd लिखेंगे, मार्क्स कितने आए, परसेंटेज, डिवीजन क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स टेकन। तो यहाँ पर BEd एडुकेशन में ही होता है, बट आप अपने जो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जो हम चूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड। उसके बाद आप CTET के बारे में इन्होंने अलग से दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ें फिल करनी है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू करस्पॉन्डेंस या रेगुलर, आपने जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो रेगुलर से किया है या करस्पॉन्डेंस से की है, तो रेगुलर से किया है तो आप यहाँ पर रेगुलर लिख दें। कभी कभी क्या होता है कि किसी की ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से होती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर से होती है, तो आप दोनों लिखें, ग्रेजुएशन ब्रैकेट रेगुलर कॉमा पोस्ट ग्रेजुएशन ब्रैकेट करस्पॉन्डेंस, जिस तरीके से भी आपने करी है। हैव यू क्लियर्ड CSB, क्या आपने CSB क्लियर किया है, तो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, तो अगर आपने CSB क्लियर किया है तो डेट लिख देनी है कि कौन सी डेट का CSB आपने क्लियर किया था, जैसे 22 नवंबर 2020। CTET या स्टेट है और डेट, कौन सा CTET और स्टेट क्लियर किया था, तो CTET ये हमें एक्चुअली डेट तब की लिखनी है जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। ओके, तो ये आपके स्कोर कार्ड पे लिखा होगा, तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उस दिन की डेट लिखनी है। CTET में भी सेम, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था CTET का उस दिन की डेट लिखनी है। नेम ऑफ क्लास यू वुड प्रिफर टू टीच विद सब्जेक्ट्स, क्लास का नाम लिखना है जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 10th क्लास को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँगी बायो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक्स और अदर सच एक्टिविटीज़,
क्या आपने इनमें से किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग ली है? अगर ली है तो गिव रैंक स्टेटस प्रोफिशिएंसी अचीव. तो आपको क्या रैंक मिला था, क्या स्टेटस था, क्या उसमें कोई स्कॉलरशिप या कुछ मिला था, तो वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है. अगर कुछ नहीं था तो आप यहाँ पर निल लिख सकते हैं या एन ए लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट, मेरिट स्कॉलरशिप वन. अगर आपको कोई मेरिट या स्कॉलरशिप मिली थी, तो बहुत अच्छे जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनको किसी टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है या फेलोशिप मिलती है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. जैसे CSIR नेट JRF फेलोशिप अगर कोई कर रहा हो तो वो उसके बारे में लिख सकते हैं, या उसने की हो पहले तो वो भी उसकी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं. आगे, लैंग्वेजेस यू कैन रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली. कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ लिख और बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, रैंकिंग के हिसाब से लिखें. तो जैसे अगर आप हिंदी बहुत अच्छा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तो फर्स्ट हिंदी, उसके बाद आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं तो फिर इंग्लिश. उसके बाद अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज पता है, जैसे कुछ बच्चों को पंजाबी आती है या उर्दू आती है, तो वो यहाँ पर अपनी तीन लैंग्वेज लिख सकते हैं. अगर आपके पास दो ही की नॉलेज है जैसे हिंदी और इंग्लिश, तो इतना भी इनफ है, उतना ही फिल करिए जितना आपको रीड राइट और स्पीक फ्लुएंटली हो सकता है. एनी बुक्स आर्टिकल्स रिटन. तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन हम आर्टिकल्स लिखते हैं डिजर्टेशन में, या रिसर्च पेपर भी कुछ बच्चों के पब्लिश हो जाते हैं, तो वो अपने रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में या अपने डिजर्टेशन के बारे में, या किसी मैगजीन के लिए उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा और वो पब्लिश हुआ हो बहुत अच्छे न्यूज़पेपर में, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, फिल द पर्टिकुलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद योर अपॉइंटमेंट. तो आपको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अपॉइंटमेंट और एक्सपीरियंस के बारे में. अगर इतना स्पेस नहीं है, जैसे कई लोगों के पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होगा, तो उसके वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं, सेपरेट शीट अटैच करके उसमें डिटेल्स फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए मैंने 2008 में कोई जॉब की थी, तो मैं डेट लिखूँगी 2008 में कब से कब तक की थी, कौन से स्कूल में पढ़ाया था, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, किन क्लासेस को पढ़ाया था, कितने बच्चे हैंडल किए थे अराउंड, और कितने टाइम तक पढ़ाया था. जैसे यहाँ पर तो मैं डेट लिख रही हूँ, ठीक है, रेंज लिखा मैंने यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1 ईयर. नेक्स्ट, एक्सपीरियंस एज टी जी टी. तो यहाँ पर आपको PGT का एक्सपीरियंस लिखना है, फिर आपको TGT का एक्सपीरियंस लिखना है. TGT में अगर आपने कहीं पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ाया तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉट एप्लीकेबल या निल यहाँ पर निल लिखकर इसे छोड़ सकते हैं. एक्सपीरियंस इन PRT, अगर आपने PRT लेवल पर पढ़ाया है तो कब से कब तक पढ़ाया है, स्कूल सब्जेक्ट टॉट क्लास टॉट नंबर ऑफ प्यूपल्स टेकन. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ही टाइम पर TGT और PRT की क्लासेस को हैंडल किया होता है कुछ स्कूलों में, तो आप दोनों को लिख सकते हैं इन कॉलम्स में, सेम डेट के हिसाब से भी आप फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंक्लूड एनी अदर पोस्ट हेल्ड विच आर रिलेवेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इसके अलावा अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाया हो, जैसे ज़रूरी नहीं हो सकता आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो वह आप उसकी भी डिटेल एक सेपरेट शीट अटैच करके लिख सकते हैं. एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट्स विच यू इंजॉय टीचिंग. आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना पसंद करते हैं, जैसे मेरे केस में साइंस. अदर एरिया, कल्चरल एक्टिविटीज़, और कोई एरिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जैसे पेंटिंग या फाइन आर्ट्स, तो आप फिल कर सकते हैं. कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स. क्या आप बच्चों को इंडोर और आउटडोर गेम प्ले करा सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स? तो बॉयज़ के केस में इंडोर गेम आप उन्हें कौन सा प्ले करा सकते हैं और आउटडोर गेम्स कौन सा, गर्ल्स के केस में कौन सा इंडोर गेम्स और गर्ल्स के केस में कौन सा आउटडोर गेम्स. विच मेजर गेम्स डू यू प्ले. आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद है, या मेजरली आप कौन सा गेम खेलते हैं. हेल्थ, वट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप. यहाँ पे हमें आंसर जो लिखना है वो लिखें गुड नॉर्मल के कंटेक्स्ट में, तो आप लिख सकते हैं गुड या नॉर्मल. तो सबसे अच्छा जो वर्ड होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें गुड लिखना चाहिए. वट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, गुड हेल्थ. Do you need any medical treatment assistant for the disease you are suffering from? हो सकता है किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, कोई हेरिडिटरी डिजीज़,
मीन्स कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या उसके लिए आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड किस केस में, हियरिंग लॉस या फिर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज, इस केस में भी आप एक सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज के केस में। तो ए पार्ट है, हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल्स। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 1 ईयर का डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर में, हो सकता है कि किसी ने डिग्री भी ली हो, तो आप उसकी डिटेल्स लिखिए, डिग्री कब ली, पहले तो सब्जेक्ट का नाम मीन्स डिग्री का नाम, फिर कब ली, रेगुलर थी या करस्पॉन्डेंस थी, ओके। और फिर अगर इतने ये स्पेस आपको कम पड़ता है तो आप एक सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं। एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, हो सकता है कि ए वाला कई लोगों के पास ना हो, तो हो सकता है बी में मैं लाई करती हूँ, तो बी में है एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर पे वर्क करने का कोई एक्सपीरियंस है, डिटेल्स लिखें। अगर मैं फिल करती हूँ येस, तो डिटेल क्या हो सकती हैं, तो हो सकता है आप जब स्कूल में आपने पढ़ाया हो तो आप बच्चों की शीट्स बनाते हैं, उनके रिजल्ट्स का डेटा कंप्यूटर में एक्सेल में सेव करते हो, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। डू यू ओन अ पर्सनल लैपटॉप, क्या आपके पास पर्सनल लैपटॉप है, इफ़ येस गिव डिटेल्स, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसकी डिटेल्स लिखनी है। ये बेसिकली हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज जानना चाहते हैं, तो आपके लैपटॉप में क्या है, हो सकता है किसी के लैपटॉप में आर स्टूडियो, पाइथन हो, वो उन्होंने इस पर काम किया हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर लिब्रे ऑफिस हो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रोसेसर क्या है आपका, आपके लैपटॉप की रैम कितनी है, ओके, ये सब नॉलेज, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, आपकी नॉलेज कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में क्या है, तो आप हार्डवेयर से क्या समझते हैं, वो भी वही कंप्यूटर के पार्ट जिन्हें मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, जैसे डेस्कटॉप हो गया और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बारे में आप एक दो लाइनें लिख सकते हैं, पहले पढ़ लें और फिर इसे फिल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, अदर एक्टिविटीज़। इन आंसरिंग प्लीज़ इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस यू हैव विच यू बिलीव विल बी वैल्यूएबल टू दिस इंस्टीट्यूशन। तो आपको आंसर करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का, आपका इंटरेस्ट, आपके एस्पिरेशंस, आपके डिज़ायर्स जो इस इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में कि मुझे बायो के डायग्राम्स या मुझे डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री में मुझे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पसंद है, बच्चों से इंटरेक्ट करना एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के थ्रू, लिटरेचर से रिलेटेड, मतलब आप अपने यहाँ पे आइडियाज़ और इनपुट्स डालें। गिव नेम्स ऑफ टू रेफरेंसेस विच शुड नो यू वेल पर्सनली एंड हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क, नॉट रिलेटिव्स। तो यहाँ पर आपको दो रेफरेंसेस बताने हैं, दो रेफरेंसेस मतलब जो आपको जानते हों, तो ये कोई भी लोग हो सकते हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूँगी कि आप जहाँ से लास्ट एम्प्लॉयर का नाम लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने लास्ट जॉब करी थी, या फिर जहाँ से आपने मास्टर की थी, किसी साइंटिस्ट का या फिर यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं, अगर आप उनसे टच में थे, मतलब वो आपको जानते हों अच्छे से। तो बेसिकली हमने जब डिसर्टेशन की थी तो हमारे जो गाइड थे वो हमें जानते थे, और जहाँ लास्ट मैंने पढ़ाया था तो वो मुझे अच्छे से जानते थे, तो ये सोच के लिखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उनके पास कॉल जा सकता है, तो उनका नेम और उनका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एट द CSV इंटरव्यू। अब यहाँ से एक क्वेरी भी मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, क्या हम एक से ज़्यादा आमी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप एक से ज़्यादा आमी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने CSV इंटरव्यू में किसी CSV इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे, तो इसे मैं फिल करना बताती हूँ। आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एट द CSV इंटरव्यू हेल्ड एट का मतलब APS का नाम लिखना है, APS जोधपुर लिख दिया, मान लीजिए मैंने APS जोधपुर ऑन डेट, किस डेट को मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो यहाँ पर मैं हैव पे तब टिक करूँगी जब मैं सिलेक्ट हो गई थी, और हैव नॉट पे तब अंडरलाइन या टिक करूँगी जब मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे पहले किस APS में सिलेक्ट नहीं हुई थी और डेट, एंड आई हैव
बीन हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर, और किस चीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, TGT साइंस, PGT बायो, ये चीज़ हमें यहाँ पर फिल करनी है. नेक्स्ट है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट है इफ़ अपॉइंटेड आई एग्री टू अबाइड बाय द AWS रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल, ये आप एग्रीमेंट पढ़ लें. उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी है और उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. इंस्ट्रक्शंस ये हैं, प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने भी बताया इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है, फिर आपको इसे फिल करना है. फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन क्लस्टर, एक क्लस्टर में से सिर्फ एक ही स्कूल का नाम लिखे जो सबसे टॉप पे था. ऑल डिटेल्स आर एट एस 7, पर्सनल डेटा मैंडेटरी. सेक्शन 1 पर्सनल डेटा में सारे मैंडेटरी हैं. फिलअप इन ब्लॉक कैपिटल्स, कैपिटल लेटर में फिल करना है. एक रीसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, और साथ में जब आप भी चीज़ें इसके साथ पोस्ट करें उसके साथ आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी पोस्ट करनी है. एक और चीज़, जितना भी मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और क्या था BEd CTET ये सब की जो आप डिटेल्स लिख रहे हैं, इसके प्रूफ में आपको सभी की प्रिंट निकलवा के, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकलवा के सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पोस्ट करने हैं विद अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 rupees. तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट होगा 100 rupees का, ये उस आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम पर होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. तो होपफुली मैंने सारी क्वेरीज़ इसमें क्लियर कर दी होंगी. इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट करूँ, उनके आंसर दूँ, स्पेसिफिक और सही आंसर दूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.